नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के विकासखंड मुख्यालय नगरी के अंतर्गत आदर्श और राष्ट्रीय गौरव ग्राम बेलर गांव पंचायत में मंगलवार को नव निर्वाचित सरपंच और पंचों द्वारा जहां पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते हुए ग्रामीणों की उपस्थिति में शपथ ली गई। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत बेलर गांव में नव निर्वाचित सरपंच और सभी पंच पदाधिकारी को ग्रामीणों के बीच प्रमाण पत्र वितरण कर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बेलर गांव के सचिव भोलाराम साहू ने नव निर्वाचित सरपंच उमेंद्र मरकाम सहित पंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बेलर गांव के नव निर्वाचित सरपंच उमेंद्र मरकाम ने ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हुए, आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद में सरपंच चुना गया हूं, गांव का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देकर के इस आदर्श ग्राम पंचायत बेलर गांव का मुखिया के रूप में मुझे पदस्थ किया है और जिस उम्मीद के साथ मुझे इस पद पर बिठाया है, मैं सबके हित में और इस गांव के विकास जो काफ़ी कुछ कुछ चीज़ों में जो पिछड़ा हुआ है, उन चीज़ों को काफ़ी मजबूती के साथ और सभी गांव के वरिष्ठ नागरिक और सभी बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को साथ लेकर के इस गांव के विकास को सबसे पहले प्राथमिकता रखते हुए कार्य जो है हमारा रहेगा। मूलभूत सुविधा के लिए आपका क्या विचार है, क्या सोच है? जैसे मूलभूत सुविधाओं में जैसे व्यक्तियों को जो पंचायत के माध्यम से जो मिलना चाहिए मूलभूत, जैसे सफाई है, जिसे है ना स्वच्छता के रूप में जानते हैं, दूसरा पेयजल का है, मकान टैक्स का है और वृद्धाओं का जो पेंशन के संबंध में हो, आवास के संबंध में हो, बहुत सारे ऐसे योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है जो पब्लिक हिताय में जो होता है, उस सभी कार्यों को बड़ी तन्मयता के साथ और पूरे उत्सुकता के साथ सभी कार्यों को सभी हमारे पंचवाटी के साथ मिलजुल करके कार्य जो है 5 वर्ष तक किया जाएगा।